इस वीडियो में आपको परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण क्लास नाइन्थ सोल्ड पेपर देखने को मिलेगा यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन टी के ऊपर जाके देख सकते हैं यदि आपको पी डाउनलोड करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले देखिए लैंग्वेज रीड द गिवन पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम वन टू फाइव नीचे जो पोस्टर दिया गया इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वन टू फाइव उनके आंसर आपको देने हैं यहाँ पे इसका टॉपिक है स्टे सेफ ड्यूरिंग द एन अर्थक्वेक भूकंप के समय सुरक्षित कैसे रहें तो इस पोस्टर को एक बार बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए इसको अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पे डिस्कशन वगैरह जो है शेय किया गया है साथ ही साथ यहाँ पे प्रिपेयर यानी कि एडवांस में कौन कौन सी चीज़ें हमें साथ रखनी है सर्वाइवल किट के रूप में वो यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं साइड में जो इनके चित्र बनाए हुए हैं नीचे यहाँ पे देखिए एन अर्थक्वेक स्टोरी यहाँ पे जो है स्टोरी बताई गई है उसके बारे में जो है कंप्लीट डिटेल में पे आप, आप इसको पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है वट डिड पीरिया डू वेह सी फेल्ट द अर्थक्वेक प्रिया क्या करती है जब अर्थक्वेक आता है ड्रॉप्ड टू द फ्लोर बी साइड हर बेड ऑप्शन सी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड पीरिया फील रिलीव्ड आफ्टर द अर्थक्वेक वॉज ओवर अर्थक्वेक जब खत्म हो जाता है तो प्रिया अच्छा महसूस क्यों करती है तो इसका कारण है सी फाउंड हर फैमिली सेफ एंड एंड हार्म वह अपने परिवार को सुरक्षित पाती है और अनहार्म का मतलब होता है बिना नुकसान के पाती है उनको तो वो खुश होती है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड द पोस्टर सजेस्ट दैट यू इंक्लूड अ टॉर्च एंड एक्स्ट्रा बैटरीज इन योर सर्वाइवल किट पोस्टर के अंदर ये क्यों बताया गया है कि आपको अर्थक्वेक के समय जो है सर्वाइवल किट में टॉर्च और एक्स्ट्रा बैटरी रखनी चाहिए क्यों बिकॉज़ अर्थक्वेक ऑफन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही भूकंप आएगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ऑटोमेटिकली जो है पीछे से बंद कर दी जाएगी तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टॉर्च और जो है बैटरी साथ में रखनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फोर वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव ए फैमिली डिस्कशन अबाउट अर्थ क्विक बिफोर दे हैपन अकॉर्डिंग टू द पोस्टर पोस्टर के अकॉर्डिंग आपको भूकंप से पहले जो फैमिली डिस्कशन है वो करना क्यों जरूरी है तो इसका आंसर है टू रिड्यूस फीयर एंड प्रिपेयर एवरी वन फॉर वट टू डू यानी कि जो भय है उसको कम किया जा सके और जो सभी लोग हैं जो ये घटना होगी उससे पहले जो है अपनी प्रिपरेशन फुल कर सकें कि हमें क्या क्या करना है अगर भूकंप आता है तो क्वेश्चन फाइव हाउ इज़ द अर्थक्वेक स्टोरी इंडिड टू इंक्रीज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ पोस्टर किस तरीके से जो स्टोरी है अर्थक्वेक की वो यहाँ पे इफेक्टिवनेस इंक्रीज करती है पोस्टर में तो किस तरीके से बाई प्रोवाइडिंग ए रिलेटेबल रिलेटेबल स्टोरी अबाउट यूजिंग द टेक्निक्स मैंशन इन द पेम्पलेट कि पेम्पलेट के अंदर जो है टेक्निक्स शो की गई है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम सिक्स टू टेन पैसेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और सिक्स से लेकर टेन से जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं तो वीडियो को पॉज करके रोक करके आराम से आप इस पैसेज को पढ़ सकते हैं इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सिक्स वट डज द ऑथर फाइंड ओवर विल्मिंग क्या जो है उतर पाता है तो इसमें सीइंग द टाल स्लीव्स फुल ऑफ बुक्स ऑप्शन बी राइट क्वेश्चन सेवन एज पर पैसेज व्हाट डज द लाइब्रेरियन नोट डू यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग लाइब्रेरियन को क्या नहीं करना चाहिए मेक स्कूल प्रोजेक्ट्स और चिल्ड्रन बच्चों के लिए स्कूल प्रोजेक्ट नहीं बनानी चाहिए ऑप्शन फर्स्ट राइट क्वेश्चन एट एज पर पैसेज व्हाट वुड हैपन इफ लाइब्रेरीज वेंट वर टू डिसअपेयर क्या होगा पैसेज के अकॉर्डिंग अगर लाइब्रेरी जो है डिस्पेयर हो जाए कम हो जाए तो द कम्युनिटी स्पेस फॉर डिस्कशन विल डिस्पेयर यानी कि जो हमारी कम्युनिटी है जो समाज है आपस में उनके लिए जो जगह है डिस्कशन की वो ख़त्म हो जाएगी डिस्पेयर हो जाएगी क्वेश्चन नाइन वट एविडेंस डज द पैसेज हैव टू सजेस्ट लाइब्रेरीज आर नॉट एज पॉपुलर एनी मोर यानी कि जो लाइब्रेरी है उनकी पॉपुलरिटी कम क्यों हो रही है पैसेज के अकॉर्डिंग फ्यूअर पीपल आर विजिटिंग लाइब्रेरी क्योंकि कुछ ही लोग जो है लाइब्रेरी में विजिट करते हैं ऑप्शन सी राइट क्वेश्चन टेन विच स्टेटमेंट इज ट्रू एज पर पैसेज पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है तो लाइब्रेरियंस आर इम्पोर्टेंट फॉर कीपिंग लाइब्रेरी अलाइव एंड एक्टिव जो लाइब्रेरियन है वो लाइब्रेरी को एक्टिव रखते हैं और यहाँ पे अलाइव रखते हैं यानी कि उसको जिंदा रखते हैं जिंदा का मतलब है कि उसको अच्छे से संभाल के रखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं क्वेश्चन इलेवन ए बुक शॉप ओनर सोल्ड सिक्सटी परसेंट ऑफ बुक्स एंड स्टिल हैव फाइव हंड्रेड फोर्टी बुक्स वाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स ही ओरिजिनली हैड यानी कि एक शॉप कीपर ने सिक्सटी परसेंट बुक बेच दी बेचने के बाद भी जो उसके पास पाँच सौ चालीस बुक बच गई तो आपको बताना उसके पास टोटल कितनी बुक थी तो देखिए यहाँ पे बेचने वाला सिक्सटी परसेंट और बचने वाले पाँच सौ चालीस बुक यानी कि अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं तो आपको पता है टोटल हंड्रेड परसेंट होता है उसमें सिक्सटी परसेंट बेच दी तो फोर्टी परसेंट बच गई अगर हम उसके टोटल जो है एक्स मान लिया अगर बुक जो है टोटल एक्स थी तो यहाँ पे एक्स का जो है फोर्टी तो परसेंट निकाल लेंगे फोर्टी परसेंट ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा फाइव हंड्रेड फोर्टी के देखिए फोर्टी परसेंट बच गई और यहाँ पे पाँच सौ चालीस ये भी क्या बची हुई है तो टोटल का फोर्टी परसेंट निकालेंगे तो फाइव हंड्रेड फोर्टी के इक्वल होगा सोल्व कर लेते हैं फोर्टी अपॉन में हंड्रेड मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू फाइव फोर्टी एक्स इज इक्वल टू अब आप जो हैंड्रेड नीचे ऊपर चला जाएगा फोर्टी नीचे आ जाएगा अब यहाँ पे 20 से काटेंगे 40 को 2 पे 5 पे कटेगा ऊपर फिर 2 से 540 को अगर काटेंगे तो ये कंप्लीट कटेगा 270 पे 270 हंड्रेड तो टू और 5 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी 1350 यानी कि स्टार्टिंग में जो बुक थी वो थी 1350 इसका दूसरा तरीका अगर दूसरा करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं टोटल जो बुक है एक्स उस उसमें से सिक्सटी बेच दी यानी कि सिक्सटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फाइव हंड्रेड फोर्टी ऐसे भी कर सकते हैं सोल्व करेंगे तो ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन ट्वेल्व फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फिगर ये ट्रेंगल का एरिया निकालना है आपको तो ट्रेंगल का जो एरिया होता है फॉर्मूला होता है वन बाई टू बेस मल्टीप्लाई हाइट तो बेस यहाँ पे है सिक्सटीन मल्टीप्लाई में हाइट है एट्टीन अब जब टू से काटेंगे इसको तो एट्टीन कटेगा नाइन पे नाइन और सिक्सटीन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वन हंड्रेड फोर्टी फोर और ये मीटर में है मीटर स्क्वायर तो इसमें रा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 144 हंड्रेड फोर्टी मीटर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो तीनों साइड मान लिया ए ए ए ए है तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं जिस ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती हैं उस ट्रैंगल को क्या बोलते हैं जरूर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ए ओडी आपको ऊपर वाला एंगल बताना ए ओ डी अब पहले हम ये एंगल निकाल लेते हैं तो ध्यान से देखिए यह आपका एक ट्रेंगल है बी ओ सी इसके अंदर दो एंगल है थर्टी और थर्टी हमें तीसरा एंगल निकालना है इसको मान लिया हमने एक्स तो आपको पता होगा तीनों जो एंगल इनका समय एक सौ अस्सी होता है तो थर्टी प्लस थर्टी यानी कि सिक्सटी तो एक्स प्लस में सिक्सटी हो जाएगा 180। तो यहां 180 60 वन एट्टी तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी वन एट्टी माइनस में सिक्सटी यानी कि वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री अब एक्स वन हंड्रेड ट्वेंटी है तो ऊपर वाला भी जो है वन हंड्रेड ट्वेंटी होगा जिसको हम बोलते हैं वी ओ ए वर्टिकल अपोजिट एंगल तो इसलिए ऊपर वाला जो एंगल है ए ओ डी वो भी होगा अपना वन ट्वेंटी तो यहाँ पे थर्टीन का राइट right आंसर होगा बी ऑप्शन क्वेश्चन फोर्टीन ए नंबर इज एडिट टू एट ए नंबर इज एडिट टू एट यानी कोई नंबर है यहाँ पे आठ में ऐड कर दिया मान लिया है एक नंबर है एक्स उसको यहाँ पे आठ में ऐड कर देते हैं यानी कि एट प्लस एक्स एंड द रिजल्ट इज देन मल्टीप्लाइड बाई फाइव और जो रिजल्ट आया ये रिजल्ट आ गया इसको पांच से मल्टीप्लाई कर दिया इफ़ द फाइनल आर जो आंसर इज सेवनटी यदि फाइनल आंसर अपना सेवनटी है तो ओरिजिनल नंबर आपको बताना है तो यहाँ पे देखिए फाइव जो मल्टीप्लाई में है पहले आगे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं पहले पाँच से मल्टीप्लाई कर ले फिर एक्स से कर लीजिए उससे अच्छा क्या है कि फाइव को आप आगे, आगे ले लीजिए आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेगा इसको डिवाइड करेंगे सेवनटी को जो फाइव से डिवाइड करेंगे फोरटीन तो एक्स प्लस एट की वैल्यू फोरटीन है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी फोरटीन माइनस एट इज इक्वल टू सिक्स यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है सिक्स फोरटीन का राइट right आंसर होगा सी ऑप्शन क्वेश्चन फिफ्टीन फाइंड द कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूर इन द गिवन एक्सप्रेशन आपको एक्स क्यूर का कोफिशियंट बताना है कोफिशेंट होता है जिसका पूछा जाए उसको छोड़ के जो भी बच गया वो कोफिशियंट है तो यहाँ पे बच गया टू तो यहाँ पे फिफ्टीन में राइट right आंसर होगा ए ऑप्शन अगर यही अपने पास इस तरीके से होता है टू एक्स क्यूर और माइनस में टू बाई थ्री होता और आपसे एक्स क्यूर का कोफिशियंट पूछते तो एक्सुकेयर को छोड़ के जो भी बच गया कोफिशियंट है जैसे यहां पे क्या होगा माइनस टू अपॉन थ्री क्वेश्चन एक लड़का है वो अपनी बहन से डबल है अगर उसकी बहन एक्स साल की है एक्स ईयर की है तो उसका भाई उसका डबल है तो वो टू एक्स हो जाएगा तो इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सिक्सटीन में ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन सेवनटीन इन द गिवन फिगर फाइंड द परसेंट ऑफ रीजन शेडिड कितना परसेंट जो रीज एरिया है वो यहाँ पे शेडिड है ये आपको बताना है तो देखिए यहाँ पे टोटल बॉक्स काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन ऊपर हैं इलेवन नीचे हैं तो यहाँ पे जो टोटल बॉक्स हो जाएंगे ये होंगे ट्वेंटी टू टोटल बॉक्स बाइस हैं इसमें जो डार्क है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन जो बॉक्स हैं यहाँ पर डार्क किए गए हैं तो हमें परसेंट निकालनी है तो जितने डार्क हैं वो ऊपर टोटल नीचे और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हंड्रेड अब इलेवन से काटेंगे टू पे टू से इसको काटेंगे हंड्रेड को फिफ्टी पे तो इसमें जो फिफ्टी परसेंट जो बॉक्स हैं वो यहाँ पे डार्क हैं तो इसमें बी ऑप्शन राइट होगा या फिर आप ऐसे में समझ सकते हैं कि आधे बॉक्स खाली हैं आधे भरे हुए हैं तो फिफ्टी परसेंट जो बॉक्स हैं वो है यहाँ पे डार्क क्वेश्चन एटीन विच इज द स्मॉलेस्ट रेजनल नंबर आपको बताना इनमें से सबसे छोटा रेसनल नंबर कौन सा है तो इसको जब सोल्व करते हैं देखिए माइनस नाइन बाई फाइव को जब सोल्व करेंगे तो यह आएगा माइनस वन पॉइंट एट माइनस फोर बाई फाइव को डिवाइड करेंगे तो माइनस जीरो पॉइंट एट माइनस फाइव बाई नाइन को करेंगे तो माइनस जीरो पॉइंट फाइव फाइव और लास्ट में करेंगे तो माइनस वन पॉइंट वन टू फाइव अगर प्लस में पूछते तो प्लस में तो होता सबसे बड़ा अगर ये माइनस नहीं होता तो वन पॉइंट एट लेकिन इन स्मॉलेस्ट पूछा है तो आपको याद रखना है नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना ही छोटा होगा यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर ये है वन पॉइंट एट लेकिन ये माइनस लग गया तो ये सबसे छोटा हो गया तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ए सबसे छोटा है माइनस वन पॉइंट एट यानी कि माइनस नाइन बाई फाइव आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो पाई है पाई बोलते हैं आपको बताना है ये रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल क्योंकि आपने जरूर पढ़ा होगा नाइन्थ क्लास में आपको बताना है पाई एक रेशनल नंबर है ई रेशनल है इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्वेश्चन नाइनटीन कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न तो आपको इनक्वायर सभी को ऐड करना है तो यहाँ पे ट्वेंटी वन और ट्वेंटी नाइन को ऐड करेंगे तो फिफ्टी आएगा ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी सेवन को ऐड करेंगे तो फिफ्टी और बीच में ट्वेंटी फाइव सभी को ऐड करेंगे तो वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव होता है फाइव का स्क्वायर सॉरी फाइव का क्यूब तो इसमें राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी नाइनटीन में सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन ट्वेंटी फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन एक्सप्रेशन तो पी की जो वैल्यू है यहाँ पर माइनस थ्री है इसको सोल्व करना है आपको तो जहाँ पे पी है वहां पे माइनस थ्री आपको रखना है तो सोल्व कर लेते हैं देखो फाइव इंटू पी का क्यूब यानी कि माइनस थ्री का क्यूब माइनस फिर माइनस थ्री का स्क्वायर फिर प्लस एट इंटू माइनस थ्री और लास्ट में माइनस वन माइनस थ्री का क्यूब माइनस थ्री की तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन आठ की माइनस तीन से मल्टीप्लाई माइनस चौबीस और माइनस वन ट्वेंटी सेवन की जब फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन थ्री फाइव माइनस नाइन माइनस ट्वेंटी फोर माइनस वन जब भी सभी नंबर माइनस के होते हैं तो उन सभी को ऐड कर लेंगे तो माइनस को ऐड करेंगे यहाँ पे सभी को तो ये आएगा वन सिक्स नाइन जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है तो ट्वेंटी में डी ऑप्शन राइट होगा नेक्स्ट यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं ट्वेंटी वन वट विल हैपन टू द ब्लू लिटमस पेपर इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन स्पेसिफाइड बिलो बिलो इज पोर्ड ऑन द पेपर क्या होगा लिटमस पेपर के साथ यदि जो रिएक्शन स्पेसिफाई की गई है इसको पेपर के ऊपर पोर्ड किया जाता है तो इसमें क्या होगा रिमेन यहाँ पे इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ट्वेंटी वन में रिमेन ब्ल्यू यानी कि बी ऑप्शन इट विल रिमेन ब्ल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू बेस्ट ऑन द गिवन गि प्रेशर नीचे दिया गया है ए बी सी ये क्या है प्रेशर दे रखा है तो व्हाट विल बी कंक्लूड अबाउट एल्टीट्यूड ऑफ प्लेसिज ए बी सी आपको एल्टीट्यूड बताना है क्या होगा यहाँ पे तो आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है अगर हम एटमोस्फेरिक जो प्रेशर है अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो कब होगा जब अल्टीट्यूड क्या होगा इंक्रीज अगर अल्टीट्यूड को बढ़ाएंगे तो एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज तो अगर आप ध्यान से देखेंगे और एटमोस्फेरिक अगर प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है तो अल्टीट्यूड क्या होगा हाई यानी कि ये है एटमोस्फेरिक ए ATM बोलते हैं इसको ठीक है ए टी प्रेशर ए ठीक है ए अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो जो अल्टीट्यूड है यानी कि हाइट वो बढ़ेगी तो इसका जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर सबसे कम है तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो सबसे ज़्यादा होगा तो इसमें ट्वेंटी टू में ए ऑप्शन राइट होगा ए इज हाइएस्ट प्लेस यानी कि ए जो है सबसे ऊपर होगा याद रखना आपको क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री इफ ए रे इज ऑफ ए लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मल टू ए प्लेन मिरर देन वट विल द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे देखिए यहाँ पे एक अपने मिरर है अगर एक रे ऊपर से छोड़ दी गई और वापस उसी डायरेक्शन में चली गई तो कितने डिग्री का एंगल बन गया है यहाँ पे वन एट्टी डिग्री का देखिए अगर कोई इधर जाता है और एक इधर जाता है तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो वन एट्टी डिग्री का होता है जिस डायरेक्शन से आया उसी में वापस चला गया यानी कि वन एट्टी डिग्री नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द टेबल वट इंटरफेयर सॉरी इन फेयर कैन यू मेक अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोंग द मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड ए एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मोलिक्यूल ऑफ लिक्विड बी लिक्विड ए और लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है यहाँ पे तो देखिए लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री और लिक्विड बी का 180 डिग्री यानी कि बी का जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है यानी कि इसको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी बॉयल करने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा ज़्यादा तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मोलिक्यूल बी का जो लिक्विड बी है इसमें जो है ये क्या होगा स्ट्रॉगर क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है यानी कि इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है तो इसमें यहाँ पे राइट आंसर है बी ऑप्शन ट्वेंटी फाइव वट इज़ द प्रॉब्लम विच ऑफ द सर्किट गिवन बिलो इस सर्किट में क्या प्रॉब्लम है तो यहाँ पे देखिए ये इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव बीच में नेगेटिव अब नेगेटिव और नेगेटिव एक साथ नहीं आते यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अगर अब जोड़ना भी है तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव ऐड होगा यानी कि अगर इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होना चाहिए तो यहाँ पे जो बैटरीज है इसके कनेक्शन में क्या है यहाँ नेगि� पे दिक्कत है इसमें यहाँ पे राइट आंसर होगा द बैटरीज आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली बैटरी जो है यहाँ पे अच्छे से कनेक्टेड नहीं है क्वेश्चन ट्वेंटी सिक्स विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन डॉटर सेल ग्रोविंग ऑन ए पेरेंट सेल एंड देन सेपरेटेड हाइड्रा बी ऑप्शन राइट क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन ए चाइल्ड पोड हनी इन टू ए ग्लास ऑफ वाटर एक बच्चा क्या करता है पहले जो गिलास लेता है पानी का उसके अंदर शहद डालता है दैन ऑयल उसके बाद जो है तेल डालता है आफ्टर लीटिंग दैम सेटल और थोड़ा सा उनको सेटल होने देता है अब सेटल होगा तो जो आपका हनी है वो भारी होता है तो वो नीचे तले में जाके जम जाएगा और जो ऑयल है वो ऊपर रहेगा फिर उसके बाद उस बच्चा जो उसमें क्या करता है एक सिक्का डुबोता है कोइन तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ लेयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम टॉप से लेकर बॉटम में जो आपको इनकी सीक्वेंस लिखनी है तो सबसे ऊपर तो यहाँ पर आएगा ऑयल उसके बाद आएगा वाटर फिर कोइन और लास्ट में हनी आपको याद रखना है वैसे तो कोइन भारी होता है लेकिन हनी पहले नीचे जाके जो जम जाएगा तो उसके ऊपर जो है क्या आएगा कोइन तो इसमें ट्वेंटी सेवन में डी ऑप्शन राइट क्वेश्चन ट्वेंटी एट ए मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू टू पीसिस फ्रॉम इट सेंटर एक मैगनेट को बीच में से तोड़ दिया गया इफ़ यू ब्रिंग द ब्रोकन एंड ऑफ फर्स्ट पीस टू द अदर एंड ऑफ द सेकेंड मैगनेट वट विल हैपन यदि पहले मैगनेट के पीस को दूसरे के साथ लेके आएंगे तो क्या होगा तो देखिए यहाँ पे साउथ पोल है नीचे नॉर्थ पोल है तो दोनों जो अपोजिट पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो बोथ मैग्नेट्स विल अट्रैक्ट तो दोनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट खींचेंगे एक दूसरे की तरफ ए ऑप्शन राइट क्वेश्चन ट्वेंटी नाइन ए पर्सन गोज फॉर ए रन एवरी डे एक आदमी जो है डेली दौड़ता है बट दे स्टॉप एट ए नियरली टेम्पल फॉर टेन मिनट्स टू मेडिटेट और वो एक मंदिर के पास में रुक जाता है डेली दस मिनट के लिए और वहाँ पे मेडिटेट करता है वाट आर द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट देअर टाइम स्पेंड एट द टेम्पल मंदिर में जो है वो स्पेंड टाइम स्पेंड करता है उसका ग्राफ क्या बनेगा तो मंदिर में जो है अगर वो टाइम स्पेंड करेगा तो टाइम तो जाएगा यानी कि टाइम चलता रहेगा लेकिन जो उसकी डिस्टेंस है वो सेम फिक्स रहेगी तो इसमें जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे बनेगा सी ऑप्शन यानी कि डिस्टेंस तो फिक्स है उसकी क्योंकि वो बैठ गया उधर लेकिन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है क्वेश्चन थर्टी डायग्राम ऑफ ए पेरिस्कोप पेरिस्कोप का यहाँ पे डायग्राम दिया गया व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे फ्रॉम द फर्स्ट मिरर एंड द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर इन द पेरिस्कोप तो आपको एंगल बताना है तो देखिए अगर इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं ये लाइन दोनों क्या है एक दूसरे पैरलर और एक ही साइड में है तो इनके बीच जो एंगल है वो कितना है जीरो डिग्री तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे सोशल साइंस सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं क्वेश्चन थर्टी वन वट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज करेक्टर करेक्टराइज बाई हाई रेनफॉल एंड डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना तो किस टाइप के फॉरेस्ट होते हैं वो होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ए ऑप्शन राइट क्वेश्चन थर्टी टू विच आइडिया फ्रॉम द इंडियन नेशनल मोमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन प्रिंसिपल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कंस्टिट्यूशन इसमें आ जाएगा सोशलिज्म डी ऑप्शन राइट क्वेश्चन थर्टी थ्री विच टायर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंट स्कीम रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट एट द विलेज लेवल तो कौन सी टाइप की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन स्कीम जो विलेज लेवल है उसके ऊपर तो वो होता है ग्राम पंचायत बी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है गांव का सरपंच बनने के लिए जो एज है वो कितनी होनी चाहिए यानी कि एज कितनी होनी चाहिए गांव का सरपंच बनने के लिए कमेंट सेक्शन में बताएं क्वेश्चन थर्टी फोर महात्मा गांधी ए विक्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हिमसेल्फ वाज एक्टिवली एंगेज इन मैनी नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका विच ऑफ द बिलो मैंसन मोमेंट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज आइडिया एंड साउट द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इसमें ये राइट आंसर होगा इसका द सिविल right राइट मोमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ड्यूरिंग 1950 एंड 1960 ये ऑप्शन राइट क्वेश्चन 35 फाइव विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट डिमांडेड द आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि कौन से सेशन से से के अंदर जो नेशनल कांग्रेस है उन्होंने डिमांड की कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए तो कब की थी ये तो इसमें राइट आंसर है लखनऊ सेशन नाइनटीन थर्टी सिक्स डी ऑप्शन राइट क्वेश्चन थर्टी सिक्स विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स इंटू स्मॉल पार्टिकल ड्यूरिंग सोल फॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस है जो चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ने में छोटे छोटे पार्टिकल में जो है रिस्पॉन्सिबल है वो है वेदरिंग यानी कि मौसम मौसम के कारण जो है छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हैं क्वेश्चन थर्टी सेवन हाउ डज इंडिया डेमोन्स्ट्रेट यूनिटी इन डाइवर्सिटी ड्यू एकरोस इट्स कल्चरल एलिंट्स एलिमेंट्स लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसज तो इसमें राइट आंसर है थ्रो इट्स रिच डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज आर्ट एंड क्वेश्चन सेलिब्रेटिड नेशन वाइड बी ऑप्शन राइट क्वेश्चन थर्टी एट विच एस्पेक्ट ऑफ इंडिया शो केस इट्स डाइवर्स ट्रोपोग्राफी एंड बायोडाइवर्सिटी इसका राइट आंसर होगा थर्टी एट में वेराइटी ऑफ लैंडस्केप्स सी ऑप्शन राइट क्वेश्चन थर्टी नाइन विच आर द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज एलिमेंट्स ऑफ द कंटिन्यूड प्रीवेलेंस ऑफ सर्टेन बिलीफ रिलेशनशिप आर्टिकल्स एंड सॉरी प्रैक्टिसिज एंड एक्टिविटीज इन ह्यूमन सोसाइटी डिस्पाइट मेजर चेंज इन सोसाइटी दिस में राइट आंसर है कल्चरल कंटिन्यूटी बी ऑप्शन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन वट वाज़ द मेजर इफेक्ट ऑफ स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग नाइनटीन ट्वेंटी सेंचुरी तो मेजर इफेक्ट क्या थे इंडस्ट्रियलाइज और फैक्ट्रीज़ को वर्ल्ड के अंदर जो है स्प्रेड करने के लिए वो था रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज ए ऑप्शन राइट यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुके वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें वीडियो के बीच में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे अपने अपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं यदि आप जो फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप पर फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं और अगर आपको पी डाउनलोड करनी है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ से पी डाउनलोड कर सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग